हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लोज सेट। इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ओपन सेट एंड टॉपोलॉजी पढ़ा था, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं, इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्लोज सेट देखें। क्लोज सेट क्या होता है, स्पेशल लेक्चर है। आ सेट एस इज सेट टू बी क्लोज इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, यानी कोई सेट एस जो है वो क्लोज कहलाता है अगर उसके हर लिमिट पॉइंट को कंटेन किए हुए हो। तो इसका मतलब है हमारे पास डेल एस जो होता है सबसेट ऑफ एस, यानी जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो होता है, एस इज क्लोज इफ डेल एस, यानी उसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो उस सेट के अंदर ही होंगे। और जैसे हम इसकी बात करें 4 एंड 8 एंड 9 एंड इन्फिनिटी, तो अगर हम इसके हम बाउंड्री पॉइंट्स की बात करें तो बाउंड्री पॉइंट्स है इसका 4, 8 एंड 9। और ये बाउंड्री पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं ये हम सब प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो 4, 8 एंड 9, 4, 8 एंड 9 जो है बाउंड्री पॉइंट्स है, और ये बाउंड्री पॉइंट्स जो है इस सेट के अंदर भी हैं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ये सेट है हमारे पास, अगर इसको S1 नोट करें तो S1 जो है वो हमारे पास क्लोज सेट है। बट अगर हम बात करें 4 एंड 5 इस सेट की, तो इस सेट में हमारे पास अगर हम 5 की बात करें, 5 जो है एक इसका बाउंड्री पॉइंट है, क्योंकि 5 माइनस एप्सिलॉन एंड 5 प्लस एप्सिलॉन जो है वो ना तो इंटायरली बाहर है इससे जो नेबरहुड है 5 का, वो तो ना तो पूरी तरह से एस से बाहर है ना ही पूरी तरह बाहर है, यानी कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है। और देखें तो 5 माइनस एप्सिलॉन जो है वो इसके अंदर वाला पार्ट है, और 5 प्लस एप्सिलॉन जो है इसके बाहर वाला, यानी कि इस तरफ का पार्ट है। तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो से पॉइंट है 5 जो है इसका बाउंड्री पॉइंट है, बट बाउंड्री पॉइंट जो है वो इसमें नहीं है 4 और 5 में, तो इसलिए हम कहेंगे ये सेट जो है वो क्लोज नहीं है। ठीक है, अगर हम 3 एंड इन्फिनिटी की बात करें, 3 एंड इन्फिनिटी की, तो ये सेट जो है वो क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो बाउंड्री पॉइंट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो बाउंड्री पॉइंट है फ्रेंड्स वो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसका एक बाउंड्री पॉइंट इन्फिनिटी होगा, वो बाउंड्री पॉइंट या इन्फिनिटी पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो कि इसका बाउंड्री पॉइंट होगा, बट वो इसके अंदर नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लोज नहीं है, बट हमने यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ पे क्लोज था क्योंकि यहाँ पे कंटेन कर रहा था इन्फिनिटी को, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं। द फुल एक्सटेंडेड लाइन आर स्टार इज क्लोज, जो फुल एक्सटेंडेड लाइन होती है आर स्टार, वो जो होती है वो क्लोज लाइन होती है। द एम्प्टी सेट 5 इज ऑल्सो क्लोज, जो 5 जो सेट होता है फ्रेंड्स, 5 एक ऐसा सेट होता है जो ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। ओपन किस तरह से होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। क्लोज किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, 5 जो है वो क्लोज किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। लेट के हमारे पास 5 जो है वो नॉट क्लोज है, नॉट क्लोज। सॉरी फ्रेंड्स, हम प्रूव कर रहे थे द एम्प्टी सेट 5 इज नॉट क्लोज। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से करेंगे। 5, सपोज कि 5 जो है वो नॉट क्लोज है, हमने ले लिया कि 5 जो है वो नॉट क्लोज है। तो 5 नॉट क्लोज है, तो इसका मतलब हमारे पास 5 जो है उस या तो उसका इंटीरियर पॉइंट जो होगा, क्योंकि 5 जो है क्लोज कब नहीं होगा, या तो 5 कुछ लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट जो होंगे 5 के, लिमिट पॉइंट ऑफ 5 या तो इसमें 5 में नहीं होंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि लिमिट पॉइंट जो होगा पूरे जो 5 जो है ओपन होना चाहिए। अगर सपोज कि 5 अगर हम लेते हैं 5 जो है ओपन है, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5, 5 जहाँ पे एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन जो है ये जो है सबसेट ऑफ 5, ये सबसेट ऑफ 5 नेबरहुड ऑफ एक्स जो है वो सबसेट ऑफ 5 होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस ये है तो यहाँ यहाँ इंप्लाई करके 5 जो है वो ओपन है ही नहीं, सॉरी 5 जो है वो एम्प्टी नहीं है, कुछ सेट है, लेकिन 5 जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 जो है कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से एक क्लोज सेट है।
तो यहाँ से हमारे पास हो गए जो फाइल जो है वो ओपन भी है एंड क्लोज्ड भी है। फाइल जो सेट है वो ओपन भी है एंड क्लोज्ड भी है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोट्स निकल के आता है वो है हमारे पास जो सेट आर स्टार जो होता है, आर स्टार एंड फाइल, ये बहुत क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। तो ये ऐसे सेट हैं, दो सेट ऐसे होते हैं हमारे पास जो ओपन एंड क्लोज दोनों तरह के सेट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स के बारे में, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स के बारे में होंगे।